आज संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। हम सब उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। स्वाभाविक है कृतज्ञ राष्ट्र डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहा है। तो आइए इस मौके पर आपको लिए चलते हैं संविधान सभा की उन बहसों की ओर जहां भारत के 7 लाख गांव और 2.5 लाख पंचायतों की चर्चा हो रही है। संविधान सभा के बहस के दौरान पंचायत को शामिल करने पर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे और आखिरकार किस तरह से ये संस्थान संविधान का हिस्सा बने, उन पर चर्चा होना लाजमी है। जाहिर है भारत की आत्मा गांव में बसती है और ऐसे भारत की आत्मा के विषय में डॉक्टर अंबेडकर और बाकी सदस्यों की क्या राय है, इसे देश की जनता को भी रूबरू होना जरूरी है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को एक प्रस्ताव रखा। इस दौरान उन्होंने मेटकॉप को उद्धृत किया और कहा, एक के बाद एक राजवंश खत्म हो जाते हैं, एक के बाद दूसरी क्रांति आती है। हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख, अंग्रेज सभी बारी बारी से मालिक बनते हैं, लेकिन ग्रामीण समुदाय वहीं रहता है। मुसीबत के समय वे एकजुट होकर अपना बचाव करते हैं। जब शत्रु की सेना गुजरती है, सुनिए डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं, जब शत्रु की सेना गुजरती है तो यह ग्राम समुदाय अपने मवेशियों को बाड़े के भीतर रखते हैं और शत्रु सेना को गुजर जाने देते हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर मेटकॉप का उदाहरण दे लेते हैं तो अपनी बात रखते हैं और कहते हैं, पंचायतों की इस निष्क्रियता का एहसास होते हुए भी हम उनके प्रति अभिमान कैसे रखें, महत्व तो टिके रहने का नहीं है। प्रश्न है कि किस स्तर पर ये टिकी हैं। ग्राम पंचायतों ने, सुनिए डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं, ग्राम पंचायतों ने इस देश का नाश ही किया है। हमारे देहात और हमारी पंचायतें स्थानिक अहंकारों की गंदगी से युक्त अज्ञान की गुफा, संकुचितता और जातिवाद की प्रतीक बन गई हैं। ऐसे पंचायतों को इकाई कैसे बना सकते हैं, कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, मुझे खुशी है, खुशी जाहिर करते हैं, मुझे खुशी है संविधान खत्म कर व्यक्ति को इकाई माना गया। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है और गांधी को राष्ट्रपिता। ऐसे में लाजमी है कि इन दो महापुरुषों के ग्राम संबंधी विचारों की तुलना हो, और संविधान सभा बैठी है तो गांधी के विचारों को भला कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो गांधी गांव के विषय में क्या कहते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। अंबेडकर की सोच गांधी के बिल्कुल उलट थी। जुलाई 1947 के यंग इंडिया के अंक में गांधी ने लिखा है, आज़ादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर एक गांव में जमहूरी सल्तनत या पंचायत का राज होगा, उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका अर्थ यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर लेनी होगी ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके, यहां तक कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी रक्षा खुद कर सके। जाहिर है गांधी भारतीय संविधान की मूल इकाई गांव को बनाना चाहते थे, जिसका व्यक्ति भी एक हिस्सा होता। यानी गांधी गांव के स्वावलंबन के पक्ष में थे और डॉक्टर अंबेडकर गांव को खत्म कर व्यक्ति को इकाई मानना चाहते थे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि संविधान सभा बैठी है, उसमें पूरे देश से लोग हैं, स्वाभाविक है गांधी के समर्थक भी संविधान सभा में बैठे रहे होंगे। और ऐसे में संविधान सभा की बैठक में अंबेडकर के विचार से बाकी सदस्य सहमत हों इसकी उम्मीद भी नहीं थी, और वही हुआ। बहुतों ने विरोध किया डॉक्टर अंबेडकर का, सबने अपने अपने तर्क दिए। यहाँ मैं उद्धृत कर रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की पुस्तक में तो बहुत सारे उदाहरण हैं। राय साहब ने बहुत सारे उदाहरणों के जरिए संविधान सभा के बैठक की में जो हुआ था गांव को लेके,
विस्तार से रखा है, लेकिन मैं यहाँ आर के सिद्धवा ने जो कहा वो रखता हूँ। आर के सिद्धवा लिखते हैं, यह संविधान इस देश में लोकतंत्र के लिए तैयार किया गया है और डॉक्टर अंबेडकर ने स्थानीय निकायों और गांव की अनदेखी कर लोकतंत्र के विचार का ही विरोध किया है। स्थानीय निकाय देश की सामाजिक और आर्थिक जीवन का आधार है और अगर इस संविधान में स्थानीय निकायों के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा यह संविधान विचार के काबिल ही नहीं है। बहरहाल संविधान सभा में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था के संदर्भ में देहात और ग्राम को लेकर अंबेडकर ने जो भाषण दिया उस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामेदार बहस का, बाकी सदस्यों का विरोध का डॉक्टर अंबेडकर पर भी असर हो यह स्वाभाविक था। डॉक्टर अंबेडकर दबाव में आए और उन्हें एक संशोधन प्रस्ताव पारित करना पड़ा। इसके बाद ही संविधान सभा के मार्गदर्शक तत्वों में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसकी बुनियाद पर 1993 में संविधान में 73वें संशोधन के जरिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मंजूरी दी गई। चिंतन की बात है, गांधी के सपनों के मुताबिक अगर संविधान की रचना हुई होती, गांव और ग्राम पंचायतों को इस तरीके से अधिकार देने और उन्हें ताकतवर बनाने की कोशिश हुई होती तो समझ सकते हैं आज भारत का कैसा नक्शा होता। धन्यवाद।